भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष धन सिंह गुज्जर के मार्ग निर्देशन में खंडिया चौपाटी पर बैठक आयोजित कर विधानसभा घेराव की योजना बनाई गई। जिला प्रभारी संभाग सह मंत्री श्री कृष्ण पाटीदार ने कहा कि कृषि प्रधान इस देश का अधिकांश किसान आज भी खेती के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर है। उनकी फसलों के लिए खाद की बारी आती है तो उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है, उनकी फसल बिकने को बारी आती है तो कीमतें कम और बहुत कम हो जाती है, सरकारें कुछ करती नहीं और बिचौलिया खूब कमाते हैं, कुछ घंटे रात में बिजली देकर भी एहसान जताया जाता है। प्रांतीय युवा प्रमुख राधेश्याम गुज्जर ने कहा कि मुख्य समस्या यह है कि आज भी भारतीय किसान के पास फसल को रोकने या रोके रखने की ताकत नहीं है। फसल के आने के वक्त जो भी दाम मिले उसमें उसे बेचने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। उसके पिछले कर्ज, उसके अगले खर्च उसे फसल को रोके रखने की कभी अनुमति नहीं देते। संभाग उपाध्यक्ष सीताराम नागर ने कहा कि सरकारें हैं कि वादे कर करके मुकर जाती है और किसान कुछ नहीं कर पाता। जिस तरह कर्मचारी कलम बंद हड़ताल कर देते हैं, उस तरह किसान फसल बोना या पैदा करना नहीं रोक सकता। जिला मंत्री मुकेश मेहर ने कहा कि जो किसान उनका वोट पाकर संसद या विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं, कुछ ही सालों में वे किसान रह ही नहीं जाते, उद्योगपतियों की गिनती में आ जाते हैं। किसानों को इस तरह धोखे से सिवाय कुछ भी भाग्य में नहीं होता। झालावाड़ जिले से सभी तहसीलों से लगभग 2000 कार्यकर्ता अपने स्वयं के निजी वाहनों से, स्वयं के खर्च से 15 तारीख शाम को यहाँ से जयपुर कूच के लिए निकलेंगे और सचिवालय घेराव की योजना में शामिल होंगे। 16 मई को जयपुर में प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर के झालावाड़ जिले की एक टोली बैठक करके और विस्तृत योजना बनाई आंदोलन की। जिले से हजारों की संख्या में किसान अपने पर्सनल निजी वाहनों से जयपुर कूच करेंगे। 16 तारीख को जो प्रस्तावित सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम है, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के राजधानी में किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, उसकी विस्तृत योजना बना करके आज निर्णय लिया गया। झालावाड़ जिले से लगभग 2-3 हज़ार कार्यकर्ता अपने निजी वाहनों से जयपुर पहुंचने वाले। नाम राधेश्याम गुजर।